थाना सदर पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस ग्रुप में एक युवती सहित 3 लोग शामिल थे। यह लोग एयरफोर्स में नौकरी दिलवाने के नाम पर ठगी किया करते थे। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं बाकी एक युवती और अन्य युवक की तलाश जारी है। थाना सदर पुलिस ने नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है, जो एयरफोर्स में नौकरी लगवाने के नाम पर बेरोजगार लोगों से मोटी रकम ऐड कर फरार हो जाया करता था। इस गैंग में एक महिला समेत 3 लोग शामिल हैं। यह महिला खुद को एयरफोर्स अधिकारी बताकर भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाती थी। वहीं इसके साथ इसका पति और देवर दोनों मिलकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं महिला समेत दूसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। थाना सदर क्षेत्र में एक गैंग को पकड़ा गया है, जो कि फर्जी नौकरी दिलवाता था। इसमें अभी एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है और 3 व्यक्ति अभी फरार चल रहे हैं। ये एयरफोर्स में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी करते हैं। इन्होंने एक व्यक्ति से ये प्रॉमिस किया कि उससे एयरफोर्स में नौकरी दिलवाएंगे और उसे यकीन दिलाने के लिए ये एयरफोर्स के अधिकारी की पत्नी और सीनियर अधिकारी बनने का नाटक करते हैं और उससे उसको विश्वास दिलाते हैं कि ये लोग एयरफोर्स के अधिकारी हैं, और उसके बाद 50% पैसा एडवांस में लेते हैं और 50% पैसा ज्वाइनिंग दिलाने के बाद लेने का वादा करते हैं। और ऐसा ही एक मामला इसमें प्रकाश में आया है, जिसमें इन्होंने ऐसा ही किया था और 3.5 लाख रुपए एडवांस में ले लिए थे और 3.5 लाख रुपए नौकरी दिलाने के बाद लेना था। पूछताछ में जो तथ्य सामने आया है उसके मुताबिक एक व्यक्ति है जिसका नाम है मनोज, वो एयरफोर्स का अधिकारी बनता है, और उसी का भाई है जितेंद्र, जो कि इस पूरे लेन देन में पकड़ा भी गया है, और मनोज की पत्नी है सपना, जो कि एयरफोर्स अधिकारी की पत्नी बनती है, और इनका एक मित्र है शक्ति, जो कि और सीनियर अधिकारी बनता है और उससे ही बात कराई जाती है। डीजी महाजन न्यूज के लिए सैयद शकील की रिपोर्ट।